इधर बात करें हम झारखंड की, तो झारखंड में 3 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और 9 बजे तक हमारे पास रुझान भी सामने आया। दरअसल सुबह 9 बजे तक मतदान प्रतिशत का हमारे पास परसेंटेज आए हैं। अगर हम बात करें तो झारखंड में सुबह 9 बजे तक मतदान में कोडरमा में 11.56% वोटिंग हुई है, हजारीबाग में 12.04% वोटिंग हुई, वहीं चतरा की बात कर ले तो 11.43% वोटिंग हुई है। सुबह 9 बजे तक के हम आपको आंकड़े दिखा रहे हैं। झारखंड में 3 सीटों पर चुनाव हो रहे दूसरे चरण में और ऐसे में लोकतंत्र के महापर्व के लोकसभा चुनाव में 5वें चरण का चुनाव है, लेकिन झारखंड की हम बात करें तो झारखंड में दूसरे चरण में 3 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, कोडरमा, हजारीबाग और चतरा, ये सीट है। और 9 बजे तक के जो आंकड़े हमारे पास सामने आए, अगर हम बात करें तो कोडरमा के जो प्रतिशत है 11.56% वोटिंग हुई है, कोडरमा में, हजारीबाग में 12.04% वोटिंग हुई है, चतरा में 11.43% वोटिंग हुई है। लगातार जो मतदाता है वो कतारबद्ध होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, बूथों पर पहुंच रहे हैं अपने एक मत का प्रयोग करने के लिए। और साथ ही साथ कई लोगों ने अपील भी की कि अपने घरों से बाहर निकले और अपने मत का प्रयोग जरूर करें। और बिहार के भी हमारे पास आंकड़े आए हैं। सुबह 9 बजे तक अगर बात करें तो बिहार में 5 सीटों पर आज चुनाव हो रहे हैं और 9 बजे तक 8.86% मतदान हुआ है। हाजीपुर सीट की हम बात कर ले तो 7.43% वोटिंग हुई है, मधुबनी में 9.11% वोटिंग हुई है, सीतामढ़ी की हम बात कर ले तो 9.49% मतदान हुआ है वहां पे, सारण की बात कर ले तो 9% मतदान हुआ, मुजफ्फरपुर की बात कर ले तो वहां के आंकड़े 9.33% सामने आए हैं। 5वें चरण का चुनाव हो रहा है और बिहार की 5 सीटों पर मतदाता अपने मत का प्रयोग करने बूथों पर पहुंच रहे हैं। और 5 सीटों की बात कर ले तो 5 सीट में हाजीपुर, मधुबनी, सीतामढ़ी, सारण, मुजफ्फरपुर शामिल है। इन 5 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और 9 बजे तक के हमारे पास आंकड़े सामने आए हैं। 9 बजे तक की हम बात कर ले तो हाजीपुर में 7.43% वोटिंग हुई है, मधुबनी में 9.11% वोटिंग हुई है, सीतामढ़ी में 9.49% वोटिंग हुई है, सारण की बात कर ले तो 9.9% मतदान हुए हैं, मुजफ्फरपुर में 9.33% मतदान हुआ है। और कुल अगर हम आंकड़ों की बात कर ले तो 9 बजे तक बिहार में अभी तक 5 सीटों पर 8.86% वोट हो चुके हैं। इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजीव कमर हमारे साथ बने हुए। राजीव, बिहार में सुबह 9 बजे तक के जो आंकड़े आए हैं, 5 सीटों पर चुनाव हो रहा है, वो जो आंकड़े आए हमारे पास पूरा ओवरऑल उसकी बात कर ले हम तो 8.86% मतदान हुआ है। राजीव देखिए अंकिता, अभी अब आए 9 बजे तक का अभी अपडेट है, समस्तीपुर में 9.49% है, वहीं आपको मधुबनी में आपको 9.11 है, मुजफ्फरपुर में आपको 9.33 है, सारण में 9 है और हाजीपुर में 7.43% हाजीपुर का है। ओवरऑल पहले तो 8.86% मतदान अभी तक हुए हैं 9 बजे तक। बाकी अभी फिलहाल सुबह का समय है, लोगों के कम से कम लोग वोट डालने के लिए आते हैं। पिछली बार देखा गया था जब 14 चरण में तो 10% से जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इस बार थोड़ी सी कम है, गर्मी बहुत ज्यादा है, ये भी एक वजह हो सकती है। लेकिन शासन के द्वारा कई लोग हैं वो लगे थे, चाहे वो डीएम हो, एसपी हो, तमाम लोग इसके जुटे लोग तो बढ़ाए, लेकिन जो चरण में देखा गया कि मत प्रतिशत लगभग 50.55% के लगभग था, लेकिन 60% से ज्यादा था, तो कहीं ना कहीं इस बार देखने होगा कि दोपहर के समय तक चरण में इसकी बढ़ोतरी देखी गई थी। अंकिता जी, राजीव आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि बिहार में हमारे पास आंकड़े सामने आए, सुबह 9 बजे तक की हम बात कर ले तो ओवरऑल अगर 5 सीटों की बात करें तो 8.86% वोटिंग हुई है, मुजफ्फरपुर में 9.33% मतदान हुआ है, 5 सीटों पर ये चुनाव हो रहे हैं।